जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना में मैं नरसिंहानंद गिरी आज वसीम भाई का स्वागत करके या इनका अभिनंदन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जितनी भी बातें इस्लाम के बारे में हमने कही हैं, वसीम भाई ने आज यहाँ आकर उन सारी बातों को हमारी को सत्य कर दिया है। उन्होंने मोहम्मद के ऊपर एक किताब लिखी है जो इस्लाम के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने ये किताब लिखी है। वसीम भाई ने अपनी जान की बाजी लगा दी है, मैं वसीम भाई का अभिनंदन करता हूँ। हमने लगा रखी है, ये कोई खास बात नहीं है, हम तो सनातनी हैं, हमें तो लड़ना ही था। लेकिन वसीम भाई ने एक मुसलमान होकर न्याय के लिए, सत्य के लिए, मानवता के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। वसीम साहब हम सबके अभिनंदन के अधिकारी हैं, हम सबको वसीम साहब का अभिनंदन करना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, महाराज जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, महाराज जी वसीम भाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। महाराज जी आज आप हम सबकी उम्मीदों के प्रतीक हैं, आप सनातन के रक्षक हैं और सनातन की रक्षा का अर्थ है सत्य की रक्षा, मानवता की रक्षा। वसीम भाई को सुरक्षा मिलनी चाहिए, अभी उनकी सुरक्षा इस लायक नहीं है, जितना वो काम कर रहे हैं उतनी सुरक्षा वसीम भाई के पास नहीं है। वसीम भाई को बहुत सुरक्षा मिलनी चाहिए और मैं हिंदू समाज से भी अनुरोध करना चाहता हूँ अपने स्तर पर वसीम भाई का हर तरह से सहयोग करें। अगर हम लड़ने वालों का सहयोग नहीं करेंगे जो सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, यदि हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो ये न्याय की, स्वतंत्रता की और मानवता की लड़ाई खत्म हो जाएगी और फिर अंधकार जीतेगा। किसी भी कीमत पर अंधकार को मत जीतने दीजिए। दुनिया में हर उस बच्चे के पास जो इस धरती पर पैदा हुआ है, सबके पास सम्मान के साथ, आजादी के साथ जीवित रहने का बराबर का अधिकार है, जिसे इस्लाम के नाम पर कुचला जा रहा है। वसीम भाई इन्हीं बातों का प्रचार करते हुए आज यहाँ आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। माँ और